ऐसा नहीं कि सुधार खाते सिर्फ इख्तलाफ राय बराए इख्तलाफ राय कर रहा होता हूँ, जो मुझे लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए। और मैं आज कहता हूँ इंशाल्लाह वो खैर से वापस आए अपनी फैमिली अपने बच्चों के दरमियान, हम वहीं से इख्तलाफ राय के सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन इख्तलाफ इस बात में नहीं है कि चाहे मैं हूँ, चाहे इमरान रियाज है, चाहे कोई भी और है, उसको अदालत में अपने कानूनी दिफा का हक है। लास्ट क्वेश्चन इमरान भाई, आप यहाँ पे आपका आना, आपके करियर पे कुछ भी डाल सकते, आप चैनल के हैं जहाँ पे इमरान साहब का नाम लेना पूरा समझा जाता है, ऐसा नहीं है, बात नहीं करनी जाती है, तो ये भी यहाँ पे आने पर आप ऐसा करते नहीं है। हमारे सारे जितने भी लोग हैं वो इमरान रियाज का नाम फिक्रमंद भी हैं, हमारे चैनल के इदारे के जितने भी लोग हैं, और चूंकि हमने अरशद शरीफ भाई की कुर्बानी को खुद देखा है तो हमें अंदाज़ा है कि अल्लाह ना करे कि वैसी एक और कुर्बानी हमें देनी पड़े, अल्लाह ताला ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। और ये बात भी देखिए, जो आप इख्तलाफ़ राय की बात कर रहे हैं, ये भी इमरान रियाज खान से सीखने की बात है कि अरशद शरीफ और इमरान भाई में भी एक वक्त बड़े तनाज़ात रहे, बहुत इख्तलाफ़ राय रहा, और फिर हमने देखा कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी के बाद, उनकी शहादत के बाद, इमरान रियाज ही उनके लिए सबसे तवाना आवाज़ बनकर उभरे। यहाँ पे अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, परवरदिगार आलम खैर वाफियत से इमरान भाई को साथ लेकर आए, मगर अब जब तक वो कस्टडी में है, जब तक वो हिरासत में, गैर कानूनी हिरासत में, जबरी गुमशुदगी में, तब तक हम इमरान कमर साहब ने कहा कि जनाब इमरान रियाज की जबान नहीं काट दी जाएगी, फिर भी वो बोलने से बात नहीं है, इस बात में कितनी सजा था, आप तो जानते हैं, आप तो छेड़ते छूटते रहते हैं उनको, और उनकी जबान ना, फिर भी मैं इस बात का कायल हूँ कि वो बाहिम्मत आदमी है, मैं इस बात